दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा के लिए लोहा पुल और यमुना बाजार के निचले इलाकों का दौरा किया। बता दें कि दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि पिछली बार दिल्ली में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा जल स्तर बढ़ा है, इसलिए इस बार हमने अभी से बाढ़ की तैयारियां शुरू कर दी है। आज हम पुराने लोहा पुल के सामने है, यहाँ नदी यमुना नदी बाजार भी है और जो दिल्ली के निचले इलाकों में से है। वहीं पिछली बार यह इलाका सबसे पहले बाढ़ ग्रस्त हुआ था। आज हमने राजस्व व सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ यहां स्थिति का जायजा लिया। दिल्ली सरकार की पूरी तैयार है और यदि हमें शॉर्ट नोटिस पर भी लोगों को बाहर निकालना पड़े तो हम इसके लिए तैयार हैं। अभी जल स्तर खतरे के निशान के बहुत नीचे है, लेकिन फिर भी हम हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिससे दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो। देखिए, पिछली बार दिल्ली में पिछले 40 साल के इतिहास में सबसे हाई वाटर लेवल गया था, इसलिए इस बार बाढ़ अगर आती है उसकी तैयारी हमने पहले से ही शुरू कर दी है। ये आज हम ओल्ड रेलवे ब्रिज के सामने हैं, यहीं पर पूरा यमुना का वाटर लेवल मेजर भी किया जाता है। तो यहाँ पर आज हम क्या स्थिति है, किस तरीके से तैयारी हो रही है, उसका जायजा लेने आए हैं। और यहीं पर ओल्ड रेलवे ब्रिज के बगल में यमुना बाजार है, वो दिल्ली के सबसे एक लोएस्ट लाइंग एरियाज में से है और एक ऐसा इलाका है जो सबसे पहले पिछली बार फ्लड हुआ था, जहां पर इवैक्यूएशन हमें करना पड़ा था। तो आज मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों के साथ और बाकी इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ आई हूं असेस करने के लिए कि यमुना बाजार के इलाके के पास अभी तक कहाँ तक पानी पहुँचा है। सेकेंड, अगर वहाँ पर इवैक्यूएशन करने की ज़रूरत हो तो क्या हमारी इवैक्यूएशन और रेस्क्यू प्लान्स पूरे हैं, आज इसका जायजा लेने के लिए हम आए हैं। क्योंकि अगर बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में क्लाउड बर्स्ट जैसी स्थिति हो जाती है और कई बारी बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन ये मौसम की ऐसी स्थिति बनती है। तो इसलिए दिल्ली सरकार बिल्कुल तैनात है, तैयार है कि अगर शॉर्ट नोटिस पर भी हमें लो लाइंग एरियाज के लोगों को इवैक्यूएट करना पड़े तो उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं।